नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइट लाइफ में। मैं आपके साथ कोमल। संसद में 6 दिसंबर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा हुई। लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि 2019 में धारा 370 खत्म करने के बाद से अब तक राज्य में काफी कुछ बदला है। उन्होंने कहा कि ये बिल उन लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेगा जिन पर 70 सालों से अन्याय हुआ और जो लोग अपमानित हुए या उनकी अनदेखी की गई। इस दौरान अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि नेहरू के समय में जो गलतियां हुई थी उनका खामियाजा वर्षों तक कश्मीर को उठाना पड़ा। अमित शाह ने बताया कि पहली और सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब हमारी सेना जीत रही थी पंजाब का क्षेत्र आते ही सीज फायर कर दिया गया, जिसके बाद पीओके का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन बाद होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। अमित शाह ने आगे बताया कि यूएन में भारत के आंतरिक मसले को ले जाने की गलती भी नेहरू ने की थी। उनके मुताबिक नेहरू जी ने कहा था कि ये मेरी गलती थी, ये कोई गलती नहीं थी। इस देश की इतनी सारी जमीन खोना एक बड़ी भूल थी। वहीं जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि आप मूल से ही कटे हो, मूल के साथ संपर्क ही नहीं है तो कैसे मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव क्या हुआ। इंग्लैंड में छुट्टी मनाकर जम्मू कश्मीर में बदलाव नहीं मालूम पड़ेगा। नेहरू पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसदों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में कुछ सांसद वापस भी आए। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि पूरे देश में सिर्फ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सभी व्यक्तियों का 5 लाख तक के इलाज का खर्च सरकार के हिस्से आता है और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे हैं। मैं नाम देना नहीं चाहता और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और सट्टी के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ता। मान्यवर, जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। और इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ कर रह गई। ये बिल उनको अधिकार देने का है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का। मान्यवर, कश्मीर के लिए एक प्रकार से 3 युद्ध हुए। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया, इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में फैल गए। वो पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 48, 65 और 71 ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। ये विस्थापितों की स्थिति के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है।
आज वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़कर वहां की असेंबली में बैठ पाए। जो कहते हैं क्या हुआ धारा 370, क्या हुआ 5 और 6 अगस्त 2019 में, ये हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला। माननीय जिस 5 और 6 अगस्त का बिल 2019 का कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकर की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं, इसी बिल का हिस्सा था न्यायिक डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, दो शब्द जोड़कर बना है, क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां बनी है और दूसरा ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुए। ये डिलिमिटेशन के सामने मैंने जानबूझकर एज अ लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन लिखा था, वो आज मैं सदन को बताऊं। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड असेंबलीज, ये लोकतंत्र का मूल, जनप्रतिनिधि को चुनने की इकाई तय करने की प्रक्रिया है। असेंबली जो बनती है वहीं से मतदाता अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजते हैं। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ही पवित्र नहीं है तो लोकतंत्र कभी पवित्र नहीं रह सकता। माननीय, इसलिए इस बिल के अंदर हमने व्यवस्था करी थी कि डिलिमिटेशन, न्यायिक डिलिमिटेशन फिर से किया जाएगा और सभी की सुनवाई हुई। डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में सब जगह पे गया, अंतिम जिले से लेकर पहले जिले तक सब जगह घूमे। कई समुदायों के प्रतिनिधियों ने इनको आवेदन पत्र दिए थे, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से आए हुए लोगों ने भी दिए थे और कश्मीर घाटी से भागकर जम्मू में शरण लेने वाले लोगों ने, और कश्मीर घाटी से भागकर देश भर में फैले हुए कश्मीरियों ने भी आवेदन दिए थे कि हमारा प्रतिनिधित्व का कोई डिलिमिटेशन कमीशन संज्ञान ले। और मुझे आनंद है माननीय कि डिलिमिटेशन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया। भारत के इलेक्शन कमिश्नर ने विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके और 1 सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन, जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित लोगों में से 1 व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़े। ये इसका हाल। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था ना? पहले नहीं मिलता था। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो, प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती थी। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तन करकर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।